हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ब्यूटी एंड हेयर स्टाइल्स। आज की क्लास है क्लास 25th, दैट इज आईज मेकअप के लिए। हमारी ये 25th क्लास है। आईज के पार्ट्स क्या क्या होते हैं, उसमें कहाँ कहाँ पे क्या चीज़ अप्लाई होती है और उन्हें क्या क्या कहते हैं आई शेडो के लिए, तो ये क्लास आज मैं आपकी ले रही हूँ। ये 25th क्लास है, तो आज क्लास में हम आईज के पार्ट्स करेंगे कि हमारी आईज के पार्ट्स कौन कौन से होते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, जैसे कि आप देख रहे हैं हमारी ये आईज हैं, मेरी आईज देखिए। तो हमारी आईज में यहाँ से लेकर ये जो सारा पार्ट होता है, ये सारा पार्ट जो है हमें इसमें बहुत अच्छे से अगर ये डेकोरेट किया हो तो मेकअप बहुत ज़्यादा सुंदर लगता है। तो वही चीज़ मैं आज आपको पार्ट्स बता रही हूँ कि कहाँ पे क्या क्या अप्लाई होता है। नेक्स्ट क्लास में हम इसकी और भी ज़्यादा डीप नॉलेज लेंगे। तो लेट्स स्टार्ट आईज के पार्ट्स। सबसे पहले जो पार्ट होता है ये होती है हमारी आईब्रो। आईब्रो हमें आईब्रो फिल करते हैं। आईब्रो कैसे फिल करते हैं, हमारे पास आईब्रो पेंसिल्स आती हैं या ब्राउन करेक्टर्स आते हैं, ब्लैक करेक्टर्स आते हैं, उनकी हेल्प से हम आईब्रो को फिल करते हैं, ठीक है ना। अभी हम पार्ट्स कर रहे हैं, इसकी मेकअप की बात नहीं कर रहे, ठीक है। और नेक्स्ट है मिस की क्लासेज है, जिसकी आया छः जो हमने आई शेडो कैसे अप्लाई करनी है, इसके प्रैक्टिकल्स मेरे चैनल पर ऑलरेडी अवेलेबल हैं, आप देख सकते हैं। नेक्स्ट हमारा ये वाला पार्ट, दिस वन, जहाँ पे मैं लाइन लगा रही हूँ, ये वाला पार्ट। कौन सा? ये वाला पार्ट, ये वाला। ये जो हमारा पार्ट होता है, इस पार्ट को हम बोलते हैं हाईलाइट। क्या होते हैं हमारे? हाईलाइट। ये पार्ट हमें हाईलाइट करना होता है एक प्रॉपर आई शेडो देने के लिए। इस पार्ट पे हमारा होता है हाई लाइट। ये वाला पार्ट जो होता है, इस पार्ट पे हमारी हाई लाइट होती है। दिस वन अपर पार्ट की बात कर रहे हैं। नेक्स्ट इससे जो नीचे आते हैं, थोड़ा सा नीचे आते हैं, ये वाला पार्ट, ये वाला, दिस वन, इसको बोलते हैं हम क्रीज। कौन सा? ये वाला, यानी कि जो लाइन है ना, ये वाली लाइन बनी हुई है, इस लाइन से ऊपर वाला पार्ट, इसको बोलते हैं हम क्रीज। ये वाला पार्ट होता है हमारा क्रीज का पार्ट, ठीक है। क्रीज का पार्ट जिस पे कि हम सबसे पहले जो है कोई कलर अप्लाई करते हैं। कलर एप्लीकेशन लाइट टू डार्क होती है, ये भी मैं फर्दर आपको बताऊंगी, ठीक है। पहले हम इसके पार्ट्स कर रहे हैं। नेक्स्ट क्लास में मैं 26 क्लास में आईज के बारे में ही आपको थोड़ी नॉलेज दूंगी। तो ये होती है हमारी क्रीज। जब हमारी क्रीज सेट हो जाती है, ठीक है, क्रीज से नीचे आते हैं, यानी दिस वन, क्रीज से थोड़ा सा नीचे आते हैं, यहाँ पे ये वाला जो पार्ट होता है, ये वाला, दिस वन, इसे हम बोलते हैं आउटर वी। आउटर वी कौन सा होता है? ये वाला पार्ट, आउटर वी, दिस वन, इसको छोड़ के ये वाला साइड वाला पार्ट को, यहाँ से यहाँ तक, इस पार्ट को बोलते हैं हम आउटर वी, यानी बाहर का वी, बाहर की तरफ निकला हुआ वी पार्ट। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट पार्ट की तरफ। नेक्स्ट होती है हमारी ये जो चीज़ होती है, ये वाली, जहाँ पे हम एप्लीकेशन करते हैं किस चीज की? अपनी आई लाइनर की, ये वाला पार्ट, ये पूरा, ठीक है ना, ये वाला पूरा पार्ट, दिस वन, इस पार्ट को हम बोलते हैं हमारी अपर लैश लाइन। अपर लैश लाइन क्या बोलेंगे इसे? अपर, ये दिस वन, जहाँ पे हम आईलाइनर अप्लाई करते हैं, ये होती है हमारी अपर लैश लाइन। नेक्स्ट जो हमारी है नीचे, ये वाली लाइन, ये होती है हमारी
वाटर लाइन क्या होती है हमारी, वाटर लाइन, वाटर लाइन, वाटर लाइन कौन सी होती है? अब देखिए अगर हमें आई से दिखाऊं तो ये जो अंदर से जो लाइन होती है ये जो थोड़ी वेट होती है, ल्यूब्रिकेशन होती है जिसमें थोड़ी, इसे वाटर लाइन बोलते हैं। वाटर लाइन के नीचे, वाटर लाइन के नीचे, नीचे कौन सा पार्ट है? दिस वन, ये वाला बाहर की साइड। अगर ये ऊपर का अपर लैश लाइन है ना तो नीचे का क्या होगा? लोअर लैश लाइन। ये क्या होगा हमारा? लोअर लैश लाइन। देखिए हमारे पास ये है, हमारे पास लोअर लैश लाइन, इसको बोलेंगे हम लोअर लैश लाइन। अब हमारा जो कॉर्नर वाला पार्ट होता है, दिस वन, दिस वन, ये वाला पार्ट, यानी ये वाला पार्ट, इस पार्ट को हम क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं टीयर डक्ट। क्या बोलते हैं इसे? टीयर डक्ट। यहाँ पे जो हम हाइलाइटर अप्लाई करते हैं ना, यहाँ पे टीयर डक्ट की जगह पे भी हम एक हाइलाइटर अप्लाई करते हैं जो कि बहुत अच्छी लुक देता है। नेक्स्ट है हमारे पास, अब एक पार्ट रह गया है हमारा, सिंगल पार्ट, दैट इज ये वाला पार्ट, ये वाला कौन सा? ये होती है हमारी आई पैलेट, आई पैलेट, दिस वन। इसको इसको अलग अलग नाम से भी जानते हैं, या इन सबको हम अलग अलग नाम से भी बोलते हैं, कोई कुछ बोलता है, कोई कुछ बोलता है, इसमें आई पैलेट बोलते हैं। अब ये जो पार्ट्स है ना, इस इन सारे पार्ट्स को ध्यान में रख के हमें आई शेडो को अप्लाई करना होता है। सबसे पहले आईब्रो फिल होती है, हाइलाइटर बाद में भी लगा सकते हैं, पहले भी लगा सकते हैं, ये ज़रूरी नहीं है कि आपको इसी के अकॉर्डिंग जो आई शेडो है वो अप्लाई करनी होती है। किसी का हाथ किसी चीज़ में कंफर्टेबल होता है, किसी का हाथ किसी चीज़ में कंफर्टेबल होता है, कोई चीज़ कुछ पहले करना चाहता है, कोई चीज़ कुछ पहले करना चाहता है, जो आप पहले करना चाहते हो आप वही कीजिए। अगर आप दूसरे का उड़ी चलने की कोशिश करोगे ना तो डेफिनेटली आपको काम खराब होगा। आप जिस तरह से अपने चलना चाहते हैं उस तरह से चलिए। तो एक बार और इसको मेंशन करती हूँ, आईब्रो, ये है हमारा हाइलाइटर पार्ट, दिस वन, ये जो पार्ट है ये होती है हमारी क्रीज, इस लाइन से ऊपर वाली पार्ट, ये होती है क्रीज। इस लाइन से जो नीचे वाला पार्ट होता है ये होता है पैलेट। ये जो कॉर्नर वाला पार्ट होता है ये होता है टीयर डक्ट। ये जो आउटर ये वाला पार्ट होता है आउटर वी होता है, जहाँ पे आई लाइनर लगाते हैं, ये आउटर लैश लाइन। अंदर वाला जो लाइन होती है अंदर वाली, इसे बोलते हैं हमारी वाटर लाइन। इसे बाहर वाला जो बाहर हम जो अप्लाई करते हैं लाइनर या जो भी कलर आप अप्लाई एप्लीकेशन कर रहे हो वो होते हैं लोअर लैश लाइन। और जो इस कॉर्नर होते हैं ये हमारा टीयर डक्ट। तो इस तरह से जो आई शेडो के पार्ट्स जो है आपको ये ध्यान में रखने पड़ते हैं और इन्हीं को ही फॉलो करके आपको अपना मेकअप जो है वो कंप्लीट करना होता है। क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ मेकअप में, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ होती है आपकी जो आपकी आई शेडो मेकअप होता है। तो ये पार्ट्स आप अपने माइंड में बिठा लें अगर आपको अच्छे से कोर्स करना है। तो ये है माई 25th क्लास। नेक्स्ट भी मैं आई शेडो की ही क्लास लूँगी और उसमें मैं आपको डिटेल्स दूँगी कि किस तरह से आई शेडो को अप्लाई करते हैं। तो फ्रेंड्स आई होप सो कि आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू वीडियो देखने के लिए, और ज़्यादा अपडेटिंग वीडियोज़ के लिए आप मेरे चैनल ब्यूटी एंड हेयर स्टाइल से मुझे सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू, गुड बाय।